मेरी फटदी किसे तो नहीं मैं करदा वा मुंह ते सिद्धी गल 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 मेरी बणदी किसे ना नहीं ताईओ ते मैं तो करन नफरत या मेरी बणगी पहचान वा के मैं मतलब ही इंसान वा। हेलो गाइस, व्हाट इज अप, व्हाट इज अप, व्हाट इज अप, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूं वापस एक चैलेंज वीडियो लेके जो कि मुझे दिए शिल्पा ने। उसने 24 आवर्स होता है ना शिल्पा, आवर्स होता है वही बना रही होगी। 24 आवर्स इन अ साड़ी चैलेंज किया था, तो अब वो मुझे कह रही है कि होल डे इन अ साड़ी तेरे को बिताना है और डेयर्स देगी वही बिताना है। स्पेंड योर स्पेंड, और साड़ी भी मैं ही चूज करूंगी और साड़ी पहनाने के बाद जो ये डेयर्स मिलेंगी वो भी मैं ही चूज करूंगी। और गाइस देखते रहना वीडियो को या व्लॉग को या जो भी कहते हैं इसको, देखते कि आगे कितना मजा आने वाला है गाइस, क्योंकि आज ये मेरे कंट्रोल में रहने वाली है। और देखना, मैंने तो साड़ी घर में पहनी थी लेकिन मैं इसको सारी डेयर्स बाहर कराऊंगी। मैंने लास्ट टाइम जब मम्मी वाला रिक्रिएट किया था ना, मैं 2 कदम भी नहीं चल पा रही थी साड़ी पहन के, चल वो हैवी भी थी। तूने मेरे वाला साड़ी व्लॉग देख के बहुत फन किया था ना, आज तू करेगी साड़ी चैलेंज और फन करूंगी मैं। पर मैंने इसमें एक वो रख ली है शर्त अपनी कि मैं उसके नीचे कोई स्टेलेटोज या कुछ नहीं पहनूंगी, मैं अपने स्नीकर्स पहनूंगी साड़ी के नीचे। कोई बात नहीं, वो ही पहन तू, मुझे तो बस तुझे साड़ी कंफर्टेबली चल पाऊं। और गाइस ये है मेरा डॉगी, इसका नाम है पता। और साड़ी पहन के जैसे एक संस्कारी बहू काम करती है तो उससे सारे काम आज मैं कराऊंगी, और तू सब्जी भी लेने जाएगी बाहर, पहले ही बता दिया मैंने। फिर अगर तूने पहले ही बता दिया तो मैं पहले ही कह देती हूँ कि नहीं नहीं, तो तू बोल ही नहीं सकती ना, ये तो कंडीशन ही हमने रखी है। यस गाइस, मैं इसके किसी भी डेयर के लिए मना नहीं कर सकती, सारे डेयर्स मुझे करनी पड़ेंगे। उसका रीजन बताऊँ क्या है गाइस, क्योंकि मैं इसको अपनी जो आउटफिट है कभी पहनने नहीं दूंगी। अगर मैंने इसके डेयर्स मना करे तो मुझे कोई कपड़ा नहीं देगी आज के बाद। और बाकी सब लोग पूछ रहे थे कमेंट में कि शिल्पा दी का टैटू व्लॉग कब आएगा, टैटू व्लॉग कब आएगा, तो वो अभी इसने टैटू डिसाइड किया नहीं है, इसको थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि बॉडी पे परमानेंट रह जाएगा गाइस, तो इसको थोड़ा सोचने के लिए टाइम दो फिर आएगा वो। चलो फटाफट अपनी साड़ी दिखा, क्या पहनने वाली है, मैं पसंद करूंगी साड़ी, ठीक है। चलो क्या हो गया, पागल हो ना गाइस। शिल्पा ने मुझे दी है ये साड़ी और इसके साथ ब्लाउज वगैरह तो वही मम्मा का था, तो मैं अपना ये कोई क्रॉप टॉप मिला है वो पहन रही हूँ। और पहननी तो देखो खैर मुझे आती नहीं, जैसे लास्ट व्लॉग में वो वीडियो में पहनी थी वैसे ही पहनूंगी, फटाफट पहन लेती हूँ लोअर के ऊपर, वो दिखाना मैं जरूरी तुम्हें समझती नहीं हूँ क्योंकि मुझे इतनी मैं प्रो हूँ कि मुझे आ गई है पहननी। जल्दी से बंद कर देते हैं वरना पीछे मेरे पापा कपाल भाती कर रहे हैं, इसमें आवाज आ जाएगी गाइस। ओके बाय, आज हम इसे सारी डेयर बाहर ही कराएंगे। मेरी जो फर्स्ट डेयर है वो ये है कि तुझे हाफ हाफ के जी टमाटो और हाफ के जी अनियन बाहर से खरीद के लाने हैं सब्जी वाले। बहुत लोग खड़े हैं बाहर, जो मर्जी खड़े हो, तेरी फर्स्ट डेयर यहीं से स्टार्ट हो रही है, फटाफट कर सब्जी लेकर आनी है। और अंकल से पूछियो कि टमाटो कितने के हैं, वो जितने के बोले तो कम भी कराइयो पैसे, और मुझे देखनी है ये डेयर तेरी। ओ यार कैसे करा, वो तुझे वो मैं क्या बताऊँ, तो मैं क्या क्या बोलूँगी, कम कर दो अंकल पैसे, इतने महंगे अंकल थोड़े सस्ते दो। गाइस मुझे बहुत शर्म आ रही है, आते जाते सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं, पर मैं ले लूं, लेट्स सी। अंकल टमाटर कैसे दिए, टमाटर 40 रुपए किलो कितना होता है, मतलब 1 kg 40 रुपीज। अंकल आधी किलो दे दो, सही सही लगा लो, तो मैंने बोला नहीं, मुझे शर्म आ रही यार बहुत ज्यादा। अंकल क्यों देख रहे हैं ऐसे, मुझे शर्म आ रही है बहुत ज्यादा। पैसे कितने देने हैं, आधी किलो दिया तो मतलब 20 रुपीज देने। टमाटर हो गया, बस एक ही लेना था, सब देख रहे हैं जल्दी। शिल्पा ये ले टमाटर, कितने रुपए के लाए? 20। तूने कम कितने कराए, 20 रुपए? नहीं उसने बोले कितने के थे, 40, और तूने 20 रुपए में करवा लिया। सही में ऐसे किया साहिल इसने, 40 रुपए किलो बोले थे तो मैंने कम ऐसे करवाए कि आधा किलो दे दो। चल तेरी फर्स्ट डेयर तो कंप्लीट हो भाई, पागलों की तरह लोग देख रहे थे। यार ये तो बहुत इजी है इसके लिए, मुझे तो लगा था बहुत टफ होगा कि डेयर टू बाहर जाकर साहिल बताएंगे कि क्या होने वाली है, तो बस आप देखो ये क्या बात हुई, यही बात हुई। तू मेरे से गोबर उठवा ले बाहर जाके भाई, आज तो कुछ नहीं बोल सकती है साहिल, इसे बाहर जाकर बताना, आपको तो पता है ना क्या कराना है। चलो राजू आपका डेयर 3, आपको ये चलानी है। यार सब देखेंगे, मैं सेलिब्रिटी हूँ। चलो सेलिब्रिटी मर्सिडीज चला रही हूँ, कैसे? अबे यार बैठो कैसे इस पे? बाय काजू, बाय।
घर जाओ। गाइस बाहर तो मैं रिएक्शन दे नहीं पाई थी क्योंकि मुझे भागने की पड़ी थी गाड़ी में। यार मेरे पसीने पसीने हो गए। मैं और वूफी दोनों हैरान हो गए। मैं और वूफी हैरान हो गए कि इसको जो ढेर दे रहे हैं ये इजीली करके आ रही है, बट लग अच्छी रही थी तो वो चलाते हुए। पता क्या किया मैंने, साड़ी तो साड़ी में बैठती कैसे, साड़ी पूरी इतनी ऊपर तक उठा ली, लोअर तो पहना हुआ था नीचे और बैठ गई और सब देख रहे थे पागलों की तरह। अब थर्ड डेयर ऐसे धक धक हो रहा है। अब थर्ड डेयर के लिए रेडी हो जाओ, चलो थर्ड डेयर कराते हैं। अब इसकी थर्ड डेयर है तो इसे जाना है अभी स्टोर पे और सामान लेकर आना है। और सबसे ये पूछना है कि मैं आज मैंने साड़ी डाली है तो मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे 5 कॉम्प्लीमेंट चाहिए 5 लोगों। इजी डेयर देखते हैं इजी वैसे। कम ऑन लेट्स गो। कर तो रही है ये अच्छे से, जाओ। और बताओ कितने पूछ ले। टू मोर भैया मैं कैसे लग रही हूँ? मस्त लग रहे हैं। मस्त लग रहे हैं। मस्त लग रहे हैं। मैंने आज परसेंट साड़ी पहनी है, कैसे लग रही हूँ? नाइस। 4 हो गए, एक रहता है। 5 हो गए। हो गए 5। राइट, देयर कंप्लीट। यार एक बार आगे से दिखाइयो कैसे जा रही है तू, मुझे एक बार कैसे। तो काजल ने अभी जो स्टोर वाली डेयर थी वो कंप्लीट की। 5 लोगों से इसको कॉम्प्लीमेंट लेना था, इसने ले लिया। यार इजी हो गई ना वो डेयर, मुझे और टफ सोचना चाहिए था। आज मुझे बहुत मजा आ रही है कि ये मेरी सारी बात मानेगी, तो अभी मैंने इसके लिए एक और डेयर सोची है। तो पहले उसके पास चलते हैं, जो भी डेयर होगी आपको दिख जाएगी और उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये सॉन्ग, तो उसी सॉन्ग पे हम उससे कुछ फनी कराएंगे। काजल चलो चलो चलो। हेलो, बहुत हो गया, चल। बुखार हो गया, साड़ी पहन के उसको बुखार हो गया। नहीं हो रहा बुखार, एक बार टच करके देख। बिल्कुल ठंडी पड़ी है। मेरी आगे नस भी दब चुकी है, दर्द हो रहा है। कोई दर्द नहीं हो रहा तो। क्या कर रही है? आई क्या करना है? ऐसे रहना है और बिल्कुल ये उतरना नहीं चाहिए। पल्लू तो उतर गया पर पूरा कहाँ से? एक मिनट गाइस, ऐसी होती है साड़ी, मुझे नहीं पता था ऐसे पहनते हैं, कौन सा स्टाइल है। इसने जो इतने स्टाइल में पल्लू करके फेंक के गई है ना मेरे मुंह पे। और तुझे बिल्कुल भी कोई फैशनेबल डांस नहीं करना है, तुझे कोई फैंसी स्टेप्स नहीं करने हैं, तुझे एकदम गांव की लड़की की तरह डांस करके दिखाओ। यार जैसा मुझे आता होगा मैं तो वैसे ही करूंगी। हाँ तो तुझे ये नहीं ऊपर होना चाहिए और तेरा मैं इसको फिर सेट कर लूँ ना, ये ऊपर नहीं होना चाहिए तेरा। चलो गाइस एंजॉय करते हैं मिलकर। 1 2 3 ये क्या सेट कर रही है बाल? ऐसे होता है? चल चल रुक जा रुक जा, अभी भी नहीं हुआ। चल चल चल। अबे यार मैं स्टाइल में मजा नहीं आ रहा काजल, डेयर कंप्लीट ही हो रही अच्छे से, एकदम एनर्जी मजा नहीं आ रहा काजल, मजा नहीं आ रहा भाई। जो ये बोल रहा है वैसे कर यार प्लीज, ये मत कर फिर तुम्हें सुनने नहीं कभी ना, ये डेयर नहीं मानी जाएगी। क्या मानी पर तुझे करना पड़ेगा। कोई बैड कमेंट मत कर। इटालियन बहू आ गई तो मैं सेटिस्फाई।
साइड हुई इसकी डेयर से, मुझे और साहिल को हंसी आ गई, तो ये भी आप लोगों को भी आई है। मेरे से घर का बहुत काम कराया गया था, झाड़ू लगवाई गई थी, कपड़े ये फंस गया, इसको कोई चक्कर नहीं आया। मुझे वूफी ने बहुत परेशान किया था, तो मेरा लास्ट हथियार वूफी ही है। मैं देखना चाहती हूँ कि वो काजल को कैसे परेशान करता है, क्योंकि मैंने उसको काफी ट्रेन किया। मुझे वूफी अगर कुछ कह भी दे मेरा नाम बदल दियो। ठीक है चलो देखते हैं, तो मैं वूफी को लेने जाती हूँ। हम अपनी छोटी बेटी को लेकर आ गए हैं, क्योंकि काजल कह रही है कि इसको लग रहा है कि वूफी बहुत शरीफ है। चलो वूफी, आपको काजल दीदी को परेशान कर रहे हैं। अब तुझे देख कुछ नहीं करना तेरे को, तो मैं काजल हूं, वो भी मम्मी की साड़ी फट जाएगी। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मुझे बोला फट गई फट गई फट गई फट गई फट गई, मैं क्या करूं, वो भी छोड़ ओ फट गई फट गई। मम्मी देख रही है व्लॉग, फक तूने मम्मी की 30 साल पुरानी साड़ी पहन ली, इसको मैं करवा दूंगी रफू। ये क्या होता है, कोई बोलते हैं रफू करवा देंगे इसको, देखना तूने कहा था कुछ नहीं कहेगा, तूने कहा था कुछ नहीं कहेगा, मुस्ताक तू क्या, बांध इसको, बांध काजल इसको, इसने कहा था कुछ नहीं कहा, काजल पकड़ इसको, ना करी ना मैंने, पापी चाहती मेरे डेयर्स के लिए लाइक कर देना और कमेंट करना तुम्हारा सबसे फेवरेट डेयर कौन सा था जो मैंने किया, और अगर तुम्हें ऐसी और डेयर्स वाली वीडियो चाहिए इस बार सोच के रखूंगी अच्छी अच्छी, तो कमेंट करके बताना इससे क्या क्या करा, और इसने मेरे चैनल पे आके मुझसे डेयर करवाई है, नेक्स्ट मैं रिवेंज लूंगी इसके चैनल पे, डेयर्स मैं दूंगी रिवेंज, मैं जा रही हूँ अब इसके चैनल पे, मैं दूंगी डेयर्स, और उसमें देखियो फिर तू वूफी भी नहीं आएगा और कोई भी नहीं, और तू रोएगी, बस यही बात थी गाइस। चलो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और आज का खास मच्छर अब कर इस वीडियो को गाइस, मेरे घर में सब बहुत मतलब खांसी है सबके बहुत ज्यादा है यार, उसको देख अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, देख लो एक बार कैसे कर रही है गाइस, कर देना लाइक, कर देना कमेंट, कर देना शेयर, कर देना इसके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, बाय। ओ देसी मुंडे कुड़े अज नाले वाले दे, दुनिया है घूमी ना तू जानी कल दे, जे तू वर साचियां पसंद कर दी, सानू नेड़े ला लाया सी गुची सेंटियां, दिल दे आ मोमे आदतां ने कपियां, थोड़े जे आ रूड़ थोड़े आ रू घंटियां।